हेलो रोहन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप आशरा। मैं विलास। आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक को, और ये ऐसे होगा अग्निपथ योजना पर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली SSC CGL या CHSL के लिए, राइट। और बाकी के टॉपिक्स को भी आप तैयार कर सकते हो। जो मोस्ट रिसेंट टॉपिक है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाके सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक को आप कवर कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको ऐसे के लिए और लेटर राइटिंग के लिए, साथ ही साथ प्रेसी राइटिंग के लिए मिल जाएगी। जो आप अपने मीडियम के हिसाब से हिंदी या फिर इंग्लिश में इनको ले सकते हो, राइट। आपको यहाँ पे सारे टॉपिक मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर मिलेंगे, साथ ही साथ विद इन वर्ड लिमिट में और लोएस्ट कॉस्ट में आपको बुक्स मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डिस्काउंटेड रेट्स पर आप इन बुक्स को ले सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं किस तरह से जो है आपको इस टॉपिक को लिखना है, क्या क्या चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरह से स्टार्टिंग की जा सकती है इस टॉपिक की, ये देखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हो कि फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इन टू द आर्म फोर्सेज द गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ स्कीम नेम अग्निपथ योजना ऑन 14 जून 2022। यानी 14 जून 2022 को गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था अग्निपथ योजना। और ये योजना किस लिए है? सोल्जर्स को आर्मी में या फिर हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उसमें भर्ती करने के लिए, राइट। तो स्टार्टिंग आप सिंपल तरीके से कर सकते हो, टॉपिक क्या है उसके बारे में बताते हुए, राइट। इट अलाउज पैट्रियोटिक एंड मोटिवेटेड यूथ टू सर्व इन इंडियन आर्म फोर्सेज फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, यानी कि इसके द्वारा, इस योजना के तहत जो है, जो यूथ है वो इंडियन आर्मी में या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस में 4 साल के लिए जो है सर्विस कर सकते हैं, राइट। द यूथ ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस वाय द स्कीम विल बी कॉल्ड अग्निवीर। यानी वे लोग जो इस स्कीम के अंतर्गत ज्वाइन करेंगे आर्म फोर्सेस को, उसको उनको अग्निवीर बोला जाएगा, राइट। अंडर दिस स्कीम अराउंड 45,000 to 50,000 सोल्जर्स विल बी रिक्रूटेड ऑन एनुअल बेसिस एंड मोस्ट विल लीव द सर्विस इन जस्ट 4 ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो यहाँ पर इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 45,000 से 50,000 सोल्जर्स जो है रिक्रूट किए जाएंगे एनुअल बेसिस पे, यानी सालाना तौर पर, और इनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं जस्ट 4 ईयर्स में उनको लीव कर दिया जाएगा, यानी 4 साल में वो जो है रिलीज कर दिए जाएंगे, राइट, सर्विस से। तो इस तरह से बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए आप इस टॉपिक को लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन बेसिकली इस तरह से आप इसका लिख सकते हो, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप लोग इस SSC CGL और CHSL के डिस्क्रिप्टिव बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके सारे जितने भी मोस्ट रिसेंट टॉपिक हैं उनको आप कवर कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, हम लोग बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। इसमें आप क्या क्या चीज़ें लिखोगे ये भी देखते हैं। तो इसके अलावा क्या बोला जा रहा है कि हाउएवर आफ्टर 4 ईयर्स ओनली 25% ऑफ द बैच विल बी रिक्रूटेड बैक इनटू देयर रिस्पेक्टिव सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 25%, यानी जितने भी लोग भर्ती होंगे उनमें से 25% लोगों को जो है वापस से रिक्रूट कर लिया जाएगा फुल टाइम के लिए, यानी 15 साल के लिए आर्म फोर्सेस में, राइट। एस्पिरेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 17.5 ईयर्स एंड 23 ईयर्स विल बी एलिजिबल टू अप्लाई। यानी इस योजना के अंतर्गत जो एस्पिरेंट्स 17.5 साल से लेकर 23 साल तक के जो एस्पिरेंट्स होंगे वो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डाउन द एवरेज एज प्रोफाइल ऑफ द आर्म इंडियन आर्म फोर्सेज बाय अबाउट 4 to 5 ईयर्स। यानी आप कह सकते हो कि जो एवरेज एज प्रोफाइल होगी इंडियन आर्म फोर्सेस की इस स्कीम के द्वारा वो काफ़ी कम हो जाएगी, लगभग 4 से 5 साल का उसमें गैप आ जाएगा। 4 से 5 साल जो है एवरेज एज प्रोफाइल जो है अभी जो करेंटली चल रही है उससे कम हो जाएगी, राइट। तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हो इस तरह से कि इसका क्या फ़ायदा होगा। अब देखो, द एवरेज एज इन द फोर्सेज इज 32 ईयर्स टूडे। यानी अभी के बारे में अगर बात करें, प्रेजेंट टाइम में जो एवरेज एज है फोर्सेज की वो 32 ईयर्स है, राइट, विच विल गो डाउन टू 26 इन जस्ट 6 to 7 ईयर्स। ठीक है, यानी कि अभी 32 साल है एवरेज एज प्रोफाइल जो है आर्म फोर्सेज की, जो कि 26 साल हो जाएगी अगले 5 से 6 सालों, 6 से 7 सालों में, राइट। अपॉन द कम्प्लीशन ऑफ 4 ईयर ऑफ सर्विस, 1 टाइम सेवा निधि पैकेज ऑफ 11.71 लाख
विल बी पेड टू द अग्निवीर्स। ठीक है, अब इससे कई सारे इसके बेनिफिट भी है, क्यों कोई ज्वाइन करेगा, उसके पीछे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी दिए गए हैं, तो उनके बारे में भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, यानी क्योंकि ये 4 साल तक के ही लिए जॉब है, उसके बाद क्या है कि 4 साल का जब आपका पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो आपको यहाँ पर जो है वन टाइम सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा, जो कि करीब 11.71 लाख रुपीज़ का होगा। ठीक है, सभी अग्निवीर्स जो इस योजना के अंतर्गत आए उनको दिया जाएगा, राइट। इसके अलावा दे विल ऑल्सो गेट 48 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवर फॉर 4 ईयर्स, यानी उन 4 सालों में 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी उनको दिया जाता है, राइट। इन केस ऑफ डेथ द पे आउट विल बी ओवर 1 करोड़, अगर डेथ होती है तो उस केस में जो उनको पे आउट दिया जाएगा वो 1 करोड़ से भी ऊपर का होगा। इंक्लूडिंग पे फॉर द अनसर्व टेन्योर, यानी जितने साल उनकी सर्विस बची है उस टाइम का भी उनको जो है पैसा मिल जाएगा, उस टाइम की भी सैलरी उनको जो है मिल जाएगी उनकी फैमिली, राइट। इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ बेनिफिट्स देयर आर सम डिसएडवांटेज टू, अब देखो कुछ चीज़ों के कुछ बेनिफिट होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो यहाँ पे इस स्कीम के भी कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। जैसे आप यहाँ पे बता सकते हो, दूज हु हायर्ड अंडर द अग्निपथ स्कीम विल बी गिवन वन टाइम लमसम ऑफ अराउंड 11 लाख वेन दे एंड देयर 4-year tenure। ठीक है, मतलब इस स्कीम के अंतर्गत जो है करीब करीब 11 लाख रुपये उनको जो दिए जाएंगे 4 साल के जब उनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाउएवर दे डू नॉट रिसीव एनी पेंशन बेनिफिट, उनको किसी भी तरह का पेंशन बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, राइट। फॉर मोस्ट सीकिंग अ सेकेंड जॉब इज असेंशियल टू सपोर्ट देमसेल्फ एंड देयर फैमिलीज, और ज़्यादातर लोगों के लिए एक सेकेंड जॉब ढूंढना भी असेंशियल हो जाएगा, क्योंकि 4 साल के बाद वो फ्री हो जाएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे। तो ऐसे में उनको कुछ अदर जॉब के लिए भी एक तरह से अप्लाई करना पड़ेगा या फिर अदर जॉब भी उनको ढूंढनी पड़ जाएगी, तभी वो अपनी फैमिली और बेसिकली जो अपनी नीड्स है उनको पूरा कर पाएंगे, राइट। तो ये भी एक तरह से ड्रॉबैक है जो इसमें आप बता सकते हो। इसके अलावा द यूथ ज्वाइनिंग द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स विल बी प्रोवाइडेड टेक्निकल ट्रेनिंग बट आफ्टर कंप्लीटिंग 4 ईयर्स इट विल बी ऑफ नो यूज। अब देखो जो यूथ है, जो अग्निवीर है, जो बेसिकली आर्म फोर्सेस में, इनको जो टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी जो जिसके द्वारा वो अपने काम कर सकेंगे, तो वो जो ट्रेनिंग है वो भी एक तरह से वेस्ट हो जाएगी। उसका हालांकि डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, आगे चल के वो अलग तरीके से कुछ उनका इम्प्लीमेंटेशन हो तो बात अलग है, लेकिन कोई डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो एक तरह से वो ट्रेनिंग भी उनकी एक तरह से उतना फ्रूटफुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो फिर उस फील्ड में रहेंगे ही नहीं, राइट। द मेन पर्पज़ ऑफ दिस स्कीम टू क्रिएट फ्यूचर रेडी सोल्जर्स, यानी कि जो मेन पर्पज़ है इस स्कीम का वो यही है कि फ्यूचर रेडी सोल्जर्स जो है उनको बनाया जा सके, या फिर एक तरह से फ्यूचर रेडी सोल्जर्स जो है क्रिएट किए जा सके, राइट। इट विल ऑल्सो इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड बिकॉज ऑफ द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एक्वायर्ड ड्यूरिंग 4 ईयर्स ऑफ सर्विस सच सोल्जर्स विल गेट एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस फील्ड्स। ठीक है, आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो स्किल्स एंड एक्सपीरियंस जो एक्वायर करेंगे उन 4 साल के दौरान, उसके बेसिस पे इन्हें एम्प्लॉयमेंट भी आसानी से मिल जाएगी अलग अलग फील्ड में। ठीक है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। ओवरऑल जब कंक्लूडिंग सेक्शन लिखेंगे तो आपको पॉजिटिव, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक तरीके से चीज़ों को लिखना है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है और आप भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ही लिख रहे हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको चीज़ों को लिखना पड़ेगा, राइट। तो इस चीज़ को आप इसी तरह पॉजिटिव वे में एंड करोगे यहाँ पर। ठीक है, दिस विल ऑल्सो लीड टू अवेलेबिलिटी ऑफ हायर स्किल्ड वर्कफोर्स टू द इकॉनमी विच विल बी हेल्पफुल इन प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, यानी इससे क्या है कि जो अवेलेबिलिटी है हायर स्किल्ड वर्कफोर्स वो हमारी इकॉनमी में जुड़ पाएगा, और उससे क्या होगा, हमारी जो ग्रोथ है कंट्री की और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ सकेगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों इस टॉपिक को आप बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, और आई होप आप लोग को क्लियर कट अंदाज़ा लग गया होगा कि किस तरह से इसको बेहतर तरीके से लिखना है। तो इसको इसी तरह से लिखिए, बेहतर तरीके से अलग अलग चीज़ों को आप यहाँ पे एलाबरेट कर सकते हो, यहाँ पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, राइट दोस्तों। तो इसी तरह से अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, बाकी इसकी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और ये टॉपिक आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसी तरह से प्रिपेयर करते रहिए। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करेगा इस वीडियो को, शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं इंग्लिश क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।